एंड ये हम पहुंच गए हैं, इतना बढ़िया वेदर। एंड ये हमारा चॉपर है। सो ये हमारे दोनों पायलट और को पायलट के लिए। एंड अच्छा सोच के इतना आए थे, ये बोले आगे कुछ बोल ही नहीं रहे भाई। बढ़िया लग रहा है यार, डिफरेंट एक्सपीरियंस। और तो अब हम लोग बैठ चुके हैं चॉपर में भाई। इतना बढ़िया लग रहा है ना, इतना बढ़िया लग रहा है। हम मिस कर रहे हैं तुझे, नेक्स्ट टाइम पक्का लेके जाएंगे। हम अपनी माँ बुच्चू को भी, यार वो बेचारियाँ भी रो रही हैं, ठीक है। और ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये ज्यादा नहीं दिखाएंगे। कॉकपिट के आगे हम बैठे हैं। और भैया बता रहे थे कि जब पीक सीजन होता है ना, बोले यहाँ पे इतने प्राइवेट मतलब लोगों के जो चॉपर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई अमीर अमीर लोग हैं हमारे देश में जिनके खुद के अपने प्राइवेट चॉपर्स हैं। और ये क्या है, ये तो कानों में लगाने हैं ना, साउंड बहुत ज्यादा होती है ना इसके। अच्छा तो यहाँ से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट। मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला था, और एक कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होती हैं। और यार ये इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो ना सबको ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और ये भी नहीं है यार, कई बार हम सोचते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव सी चीज़ें हैं, वैसा नहीं है। और ये हैं हमारे पायलट बेचारे, यार पूरा वेदर चेक कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ से टेक ऑफ किया उन्होंने पहले बोल दिया कि अगर वहाँ पर बारिश हुई तो जैसे आपको लेके जा रहे हैं वैसे हम वापस ले आएंगे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा नीचे शूट किया था, क्योंकि जितनी भी शिवालिक रेंज है सबको पता होगा पंचकुला से ऊपर जितना भी जाता है ये पूरे आपको नीचे वही वाला एरिया आ जाता है, पूरी रेंज। यहाँ पे बीच बीच में डैम भी है एक दो, और साथ में अरुण मेरा थोड़ा थोड़ा शूट कर रहे थे। इतना सही व्यू था। तो यार सिर्फ 15 मिनट की राइड थी, नीचे आप लोग रोड देख रहे हो। तो मेरे को ना अरुण पे तरस आ रहा था कि अगर मैं उनको रोड से लेके जाती तो वो बेचारे इन रोड पे कैसे ट्रैवल करते। और यहाँ ना आप लोग स्पीड देखना, कुछ टाइम में हम लोगों ने पूरा शूट किया था कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा था चॉपर उस टाइम पे। तो ये हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की। और अभी ना आप लोग नीचे देखेंगे आपको पूरे मोड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना भयंकर रोड होगा। तो मतलब बेचारे अरुण को ऐसे हो रहा था, यार अगर मैं यहाँ से आता तो मेरा क्या होता। अब ये सारी रेन स्टार्ट होगी और आप इसके बीच में ना छोटे छोटे आप रोड देखो पूरा, और ये कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी किस तरह से ये बनी हुई है पूरी, और हर जगह पे आपको कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि एक एरिया कोई भी एरिया ऐसा हो जहाँ पे छूट गया हो। और ये घर, आप लोग सोचो कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कितनी डिफ़िकल्ट है चीज़ें, और जो लोग हिमाचल ट्रैवल करते हैं प्लेन एरिया से उनके लिए बाय रोड कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से आज हमने चॉपर लिया और हम चॉपर से ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये पूरा प्लान था कि बाय रोड ट्रैवल करेंगे, सोलन देखते हुए जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अरुण के मोशन सिकनेस की वजह से हमें यहीं से ट्रैवल करना पड़ा। और ये अब हम सोलन को पूरा क्रॉस कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ये सोलन का पूरा एक तरह से ये मंकी पॉइंट वाला एरिया है, जहाँ तक मुझे लग रहा था ऊपर से कि हेलीपैड वहीं पे है सिर्फ, और कहीं पे भी हेलीपैड का नहीं है जो मुझे नीचे दिखाई दे रहा था यहाँ से। तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर करें, और ये कुछ दोबारा से मैंने रोड कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि यार सोलन से ऊपर जो शोघी वाला पूरा एरिया है ना, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा हाइट कालका शोघी वाला, और ये मोड़ इतने ज़्यादा भयंकर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये सामने हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, क्योंकि अब हमें लैंड करना था। शिमला का एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, यहाँ पे बहुत कम फ्लाइट्स हैं। पहले उड़ान की स्टार्ट हुई थी, बंद हो गई, और यहाँ पे हो रही थी थोड़ी थोड़ी धक धक कि हम लोग लैंड करने वाले हैं। फाइनली लैंड हो चुके हैं। अरुण की एक्साइटमेंट बिना उल्टी के मैं पहुँच चुका हूँ। अंदर से इनके अंदर से मन में हो रहा था, नहीं यार हाय मुझे उल्टी नहीं हुई। वैसे मेरे को ना सेकंड थॉट ये भी था कि कहीं पता चले हेलीकॉप्टर में भी उल्टी मार दे ये शख्स, कोई क्या ही सोचेगा, पता नहीं होता ना मोशन सिकनेस का। पता चले हेलीकॉप्टर में भी मोशन सिकनेस इनको स्टार्ट हो जाए कि भाई चॉपर ऐसे ऐसे उड़ रहा है और इतनी स्पीड से उड़ रहा है। और ये मैंने थोड़ा सा फ्रंट कैम से खुद का भी शूट करने की कोशिश की, और जैसे हम लोग फ्लाइट से लैंड करते हैं ना तो फिर भी होता है कि हल्की सी धक धक, बट यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था। पंद्रह मिनट हार्ड ही लगे और 15 मिनट में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है, मतलब
बहुत ज्यादा कम्फर्ट आना स्टार्ट हो जाता है। सच में इसकी नीड है दिल्ली में जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है। और अब ये यहाँ पे इसकी रीफ्यूलिंग हो रही है क्योंकि ये यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट और लोकेशंस पे जाएगा, मंडी ठीक है और भी कई जगह पे चलती है सर्विसेज। तो ये पवन हंस करके ये कंपनी है, ये तो ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज और बहुत ही नॉमिनल रेंज में है, मतलब 4,000 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आप वैसे भी शिमला आओगे चंडीगढ़ से तो आपके टैक्सी भी 4,000 रुपये आपके लग जाएंगे ठीक है। सबसे बड़ी बात है जिनको मोशन सिकनेस की दिक्कत है जैसे मेरे जैसे इंसान है उनके लिए भैया ये जन्नत है। 15 मिनट में आप पहुंच गए। दूसरी चीज आपको बहुत ही जबरदस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे और तीसरी चीज कि मतलब ना आप ना एक एक्सपीरियंस लोगे क्योंकि आज के टाइम में वक्त किसी के पास नहीं होता तो आप इसे टाइम बचा सकते हो। अब ये इनकी कर रहे रिफिलिंग और हम लोग अब निकलेंगे। एकदम से ना यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, मतलब मेरे को ना मतलब लिटरली ये चीज का माइंड में था पर अम्ब्रेला वगैरह तो खैर इधर से कैरी नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ शिमला में आप बिना छाते के चल ही नहीं सकते। यहाँ पे जैसे बारिश स्टार्ट हो गई ना, अगर ये बारिश अगर आधा घंटा पहले भी शुरू हुई होती तो हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे अच्छा वापस भी हो जाता और हम यहाँ पे आ भी नहीं पाते। तो मतलब सोचो किस्मत थी क्योंकि 10 बजे का फोरकास्ट था रेन का और रेन अपने बिल्कुल टाइम पे चल रही है। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं बाहर। तो ये आ चुकी है हमारी गाड़ी, ये आ चुकी है हमारी कैब, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के बिल्कुल फिक्स रेट हैं तो यहाँ से अभी हमें मेन शिमला सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर है और साथ साथ हल्की हल्की हो चुकी है बूंदाबांदी शुरू। बड़ी का ज्यादा है वैसे, बड़ी देने की अभी हमने बोला था, छोटी तो बड़ी क्यों दी उन्होंने? नहीं नहीं, छोटी का 1200 है, बड़ी का 1600 है। अच्छा। मैं आपको छोटी गाड़ी के रेट में ले जा रहा हूँ। अच्छा। और भैया कितने किलोमीटर है यहाँ से? 21 किलोमीटर है भैया, बहुत कॉस्ट। और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह वैसे नहीं अवेलेबल? थोड़ा नीचे से मिल जाती है सर, 1.5 किलोमीटर नीचे। तुम 20 किलोमीटर चलो, मैं यही बहुत खुश हूँ। इलायची नहीं है? हाँ इलायची दे दो। तो अब तो आंवला भी खा लूंगा मैं। भैया रास्ता ऐसा ही है पूरा? हाँ जी। अब मेरे को ना ये 20 किलोमीटर की टेंशन हो गई है ठीक है, ये रास्ता तो थोड़ा सा भैया थोड़ा आराम से ही चलेगा, मेरे को ना मोशन सिकनेस की दिक्कत है। तो हालात इंसान से क्या नहीं करवा देते, मैंने आज तक ऐसे लाइफ में कभी आंवला नहीं खाया। जो ये रोड है ना, ये अब हम लोग शिमला में मेन शिमला में एंटर होते हुए और बहुत अच्छा, अभी 10 किलोमीटर है और ना अभी बहुत ही मतलब ना बढ़िया वेदर हो रखा है। यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा क्लियरर पिक्चर मिलेगी जो लोग अभी तक शिमला नहीं आए हैं। मेरा पीजी जो था ना, जैसे ये पहाड़ी के ऊपर है ना, ऐसे था, उस पे जाने से 280 स्टेयर्स थी मेरे कमरे तक जाने के लिए। हम एक बार चढ़ के हाथ लगा देते तो दोबारा नहीं जा सकते।